हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रिवाइन चारो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए है, बट साथ ही साथ जनरली भी ऑन कलेक्टिव बेसिस हम लोग आपके पार्टनर की फीलिंग्स को भी चेक करेंगे, ठीक है? सो लेट्स फर्स्ट सी कि आपकी जर्नी में अभी आगे क्या होने वाला है। जिस भी जर्नी में आप है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट है, सोल मिररिंग है, ट्विन मिररिंग है, ट्विन फ्लेम है, फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ट्रू ट्विन फ्लेम है, आप जिस भी जर्नी में ओवरऑल, भले कार्मिक में क्यों ना हो, ओवरऑल हम आपकी जर्नी के रिलेटेड रीड कर रहे हैं। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, ज्यादा डिटेल में आपको पर्सनल रीडिंग के दौरान ही पता चलता है, जिसे आप बुक कर सकते हैं, जिसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, वो रीडिंग फ्री नहीं होती। डिटेल्स आपके सामने उसके लिए स्क्रीन पर है, व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप करते ही टीम आपको डिटेल्स देती है या डीपी पे ही आपको चार्जेस दिख जाते हैं। आप चार्जेस पे करके अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं या कॉल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी यूनिवर्स, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स, मैं आपकी भी एनर्जीज को बाद में चेक करूंगी, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है और अपकमिंग इवेंट क्या एक्सपेक्टेड है। मैनिफेस्ट, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, एक सेकेंड, हाँ, ट्विन फ्लेम स्टेजेस, यूनियन, रीचिंग कंक्लूजन, बैलेंसिंग एनर्जीज, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास लव बिलीव्स, ठीक है? यहाँ पे मैंने हाफ केल्टिक यूज किया है और एक डेक अब यूज करने वाली हूँ, वेट, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी इस वक्त उनके पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? अच्छा, हो सकता है बीच में आपको सीटी बजने की आवाज़ आ जाए। मैंने जो है इस वक्त खाना बनाते हुए जो है वीडियो शूट कर रही हूँ, साइड में साया खाना भी बन रहा है। तो यस, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है समटाइम्स, काम बहुत सारा है, क्या करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के अलावा मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, जिनके बारे में ये सोच रही हैं, मुझे बताएं वो व्यक्ति इनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। Eight of Wands, King of Swords, Rebirth and bottom of the deck में the Lovers है, okay। So Universe मुझे बताएं यहाँ पर इस relationship में दिक्कतें क्या है, इस relationship को मेरे viewers को कैसे deal करना चाहिए, कैसे best outcome प्राप्त करना है, कैसे उनकी जिंदगी में stability आनी चाहिए, guide करें। अभी तक आपको मेरे सवाल अच्छे लग रहे हैं कि दीदी अच्छे deep level के सवाल पूछ रहे हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। The Empress with Nine of Cups, okay। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी मेरे सामने आई है ये सबसे पहले करंट स्टेट ऑफ माइंड ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपनी लाइफ में जिस जर्नी में हैं उसमें आप कुछ स्टेजेस पार कर रहे हैं। ये स्टेजेस इजी नहीं है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा होगा, बहुत तकलीफ हो रही होगी, एक तरीके की सेपरेशन या बेचैनी का सामना कर रहे होंगे। समझना मुश्किल है इस वक्त आपके लिए कि क्या आखिर आगे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरीके के कार्मिक डेब्ट्स क्लियर कर रहे हैं। कार्मिक डेब्ट्स से मेरा मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपके जो कर्मा, जो पेंडिंग कर्मास थे, जैसे आपके पिछले जन्म के, इस जन्म के, आप वो चुका रहे हैं, जिसके वजह से आपको डेफिनेटली पेन हो रहा होगा। क्योंकि जब हम अपने कर्मा चुका रहे हैं, यानी कि अपने बुरे कर्मों का हिसाब कर रहे हैं, अच्छे कर्मों का हिसाब कर रहे हैं, तो वो ईजी नहीं होता, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है, बहुत हर्ट होते हैं हम। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा रहता है, ये यूनिवर्स का इंसाफ होता है। हमने पास्ट लाइफ में या अपनी करंट लाइफ में जैसे किसी का दिल दुखाया है, तो नियति ना उसका बैलेंस बनाती है, तो उस दुख को हम लोग को भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। किसी को हमने दुख पहुंचाया हुआ है, हमें भी एक्सपीरियंस करना है, हम किसी तरीके का सेपरेशन फेस करते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे कि दीदी हमने तो कभी किसी का गलत नहीं किया। देखो, पॉसिबिलिटी है कि आपने पास्ट लाइफ में किया, हो सकता है आपने इस जन्म में किसी चींटी को ही मार दिया, किसी कबूतर के जो है अंडे वगैरह आपसे, आपके हाथ से टूट गए। छोटी छोटी अगर चीजों को देखा जाए तो आपसे जाने अनजाने कोई पाप हुआ हो, ठीक है? अब उन कार्मिक डेब्ट्स को आप चुका रहे हैं जो कि आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं, आपके लिए एंजाइटी से भरे हो सकते हैं, आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। यानी कि सेपरेशन का कारण समझ नहीं आएगा कि हो क्यों रहा है ये सब चीजें, ये दिक्कतें कहाँ से आ रही है, भाई मेरे पार्टनर और मैं तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग में थे, इतना प्यार करते थे एक दूसरे से, अब ऐसा कैसे हो गया कि दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाते, ना वो मुझे समझ पाते हैं, ना मैं उनकी भावनाओं पे अब ट्रस्ट कर पाती हूँ। तो ये एक डिफरेंसेस जो है रिप्रेजेंट हो रहा है आपकी एनर्जी में। करंटली आप या तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपने अपनी प्रार्थनाओं में, अपने ईश्वर से अपने पार्टनर को मांगना शुरू कर दिया है, जो करंट स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपके साथ वो यूनियन में आ जाए, लेकिन अभी तक वो यूनियन में क्यों नहीं आए,
क्योंकि इस वक्त इस कनेक्शन में आप दोनों को बहुत कुछ सीखना बाकी था, बहुत कुछ चीजें हैं जो आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए समझ ही नहीं पा रहे थे, यानी कि कहीं आप उनकी तरफ से डिसरिस्पेक्टफुल हो जा रहे थे, कभी आप उनको समझ नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ों में आप उनको बोल रहे थे कि यार तुम उसको खुश रख रहे हो, उसको खुश रख रहे हो, मुझे खुश नहीं रख रहे, मैं बहुत हावी हो गया। वहीं कहीं आपके पार्टनर के ऊपर भी ऐसा हो गया कि यार इसको जब देखो इशूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो एक दूसरे को लेकर ना रिस्पेक्ट नहीं थी इस रिलेशनशिप में, रिस्पेक्ट नहीं थी, ईगो क्लैशेस हो रहे थे, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है वाली एक जिद चल रही थी। कहीं ना कहीं आप लोग दोनों के ईगो ट्रिगर्ड हुए, कहीं आपका अहंकार, आपका ईगो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, कहीं आपके पार्टनर का ईगो को टारगेट कर रहा था। अब ये नहीं आप बोल सकते कि इस कनेक्शन में दीदी मेरे पार्टनर का ही प्रॉब्लम है, वही गलत है, वही दुष्ट है, वही पापी है, वही इंसान बेशरम है। नहीं, कहीं हमसे भी गलतियां होती हैं। अगर किसी जर्नी में हम सेपरेशन या यूनियन का सामना करते हैं तो मेरी जान वो कभी भी हम एक तरफा नहीं होता कि हमारी एक की गलती से या किसी पर्टिकुलर पर्सन की गलती से हम सफर करते हैं। हम दोनों सफर कर रहे हैं, दो लोग सफर कर रहे हैं, कारण हम दोनों को ही अपनी जिंदगी में कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हल्के में ले रखी है, जैसे अपने आप को हल्के में लेना, अपनी कोई वैल्यू ना करना, हमेशा खुद को झुकाए रखना, या जरूरत से ज्यादा हमेशा अहंकार और गुस्से में रहना, दूसरों को नीचा दिखाना, या लोगों में सिर्फ कंप्लेन ढूंढना कि तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू नेगेटिव, तू नेगेटिव, और कभी कुछ अच्छा ना देख पाना। बहुत सी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से, यानी कि आप में परिवर्तन के लिए ये सेपरेशन आपको देती है। अब ये वही चल रहा है जहां पर आप लोग दोनों की एनर्जी में ऑब्स्टेकल क्या आ रही है, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की, यानी कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, एक प्रॉपर शिव नहीं दूसरी प्रॉपर शक्ति नहीं, या एक प्रॉपर तरीके से राधा नहीं बन पाई और दूसरा जो है प्रॉपर कृष्णा नहीं बन रहा। तो यहाँ पर जो है आपके अवतार में सब चीजें आधी अधूरी हैं, प्रॉपरली आप लोग दोनों के कार्य जो है पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से आप लोग कार्मिक डेब्ट्स का सामना कर रहे हैं। तकलीफ दे एक सिचुएशन आप लोगों के रिलेशनशिप में बन गई है। हालांकि इस रिश्ते में प्यार बहुत है, जैसे कि मैंने कहा था सीटी बजेगी और सीटी बज रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैंने ऑब्वियसली दाल चढ़ाई है तो सीटी बजनी थी, एक और सीटी बजेगी थोड़ी देर के बाद। आप लोग प्लीज बेयर कीजिएगा क्योंकि दीदी के लिए इस वक्त घर पे भी फोकस उतना ही करना है यार, फैमिली वाले हैं, सबको में ध्यान देना रहता है, ठीक है। तो शूट कर रहे हैं बट साथ ही साथ खाना भी बनाना है और काम पड़ा है और ये आने वाले हैं तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, इसीलिए मैनेज करिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की। यहाँ पर दिक्कत क्या है, आप लोग दोनों एक दूसरे के अंतर मन को नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक मेन संघर्ष है आप लोग दोनों के रिश्ते का, जिसमें ना आप सामने वाले को समझ पा रहे हैं ना वो आपको समझ पा रहे हैं। आप मुझे कहेंगे नहीं दीदी मैं तो उन्हें समझती हूँ, मैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं उनको सब कुछ देता हूँ, बट ये सत्य नहीं है। आप वो सत्य जानते ही नहीं कि वो उस इंसान के मन में क्या है, क्या भाव है। कई बार आपके मन में डाउट आता है उस व्यक्ति को लेकर कि नहीं आई थिंक सो कि शायद वो व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करता, शायद इसके लिए दूसरे लोग महत्वपूर्ण हैं, शायद इसकी लाइक होता नहीं कि शक की स्थिति, क्योंकि जहाँ प्यार है, अटैचमेंट है, वहां हमारे दिमाग में कभी ऐसी एनर्जी नहीं बनती कि हम सोचे कि सामने वाला दूसरे से प्यार करता है। हमारा बस प्यार, हमें ऐसा लगता है कि हम इस इंसान से प्यार करते हैं, बाकी हमें जो मिल रहा है हम उससे ग्रेटफुल है, हम ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर शंकाएं आ रही है, कंफ्यूजन आ रही है, तो डेफिनेटली आप भी पूरी तरह इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं है, वो भी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेजेस कुछ लंबे समय से चल रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम स्टेजेस जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, अब आई एम नॉट सेइंग कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही, आप कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, बेसिकली आप ये कार्मिक स्टेजेस बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हैं, और ये लंबा समय ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए डेढ़ साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 साल हो सकता है। लेकिन जिन लोगों के लिए अभी 6 महीना हुआ है, 8 महीने हुए हैं, जिन लोगों के लिए 4 महीने हुए सेपरेशन को, मेरे दोस्त ये रीडिंग हो सकता है तुम्हारे लिए नहीं है, बिकॉज ये सेपरेशन बहुत लंबा दिख रहा है, बहुत लंबा, मिनिमम मैं कहूंगी 1.5 साल तो मुझे क्लियरली दिख रहा है इस सेपरेशन में। तो अगर आप मेरे को बोल रहे हो ना नहीं दीदी 4 मंथ्स का सेपरेशन है, हमारी रीडिंग मैच हो रही है, हाँ ठीक है रीडिंग मैच हो रही होगी, लेकिन हो सकता है फिर इसका आउटकम आपसे मैच ना करे, क्योंकि ये स्टोरी जो मेरे सामने आई है वो 1.5 साल 2 साल के सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 साल को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन यदि ये सेपरेशन अभी हाल ही 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने में आया है, तो ये मेरी जान ये आपकी रीडिंग उसका आउटकम कम से कम आपसे मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं, वो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, डेफिनेटली आपको उसके लिए चार्जेस देने होते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है इस वक्त, आप अपने आप को समझने का कोशिश कर रहे हैं, खुद को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि डिवाइन एनर्जीज जो है आपके साथ जस्टिस कर रही है।
वो आपकी जिंदगी में वापस बैलेंस लाने का प्रयास कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग देके या जैसे ये ही वीडियो तक आप पहुंचे। तो ये वीडियो में आने का पर्पस ही ये था कि कुछ आप समझ सकें, जान सके कि आपके रिश्ते में आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे थे, कहाँ इशू आ रहा था, क्या दिक्कत। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने का प्रयास कर रही है और वो बैलेंस में ला रही है आपको, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा कर रही है ताकि जल्द आप यूनियन प्राप्त करें। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी जो दिख रही है कि बहुत जल्दी आप अपनी जिंदगी में कंक्लूजन प्राप्त करेंगे। कंक्लूजन यानी कि बहुत जल्द आपको आउटकम मिलने वाला है, बहुत जल्द आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। आपके प्रेम में, आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो कार्मिक डेब्ट्स आए थे, जो कलेश थे, जो इश्यूज थे, जो मनमुटाव थे, वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व होकर अब आप लोगों के बीच में एक प्रॉपर हेल्दी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में यूनियन होने वाला है। ठीक है, अब आपकी करंट स्टेट ऑफ माइंड अगर देखी जा सके तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको अंदर ही अंदर विश्वास है कि वो व्यक्ति जरूर आएंगे, चीजें बेहतर होंगी, सिचुएशन बदल जाएगी, डिवाइन एनर्जीज मेरे साथ फेयर करेंगी। एक आत्मविश्वास आपके अंदर देखने को मिल रहा है, आप में बहुत सारे परिवर्तन आते नजर आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव चेंजेस हैं। यहाँ पर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी ओवर थिंकिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, या आप ठीक से सोते नहीं हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, या आप देर रात में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपके लिए एक ऑब्स्टेकल है, इस चीज पे काम करें, आप देर रात में मेडिटेशन करके फिर आराम करें, सो जाएं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। वरना ओवर थिंकिंग के स्टेट में रहे तो ये चीजें आपके लिए वर्क करने में बहुत ज्यादा डीले हो जाएगा। आपको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आना है तो रोज रात को या तो आप मेडिटेशन करें, या कोई भजन गाएं, या कोई जो है हनुमान चालीसा कर ले पाठ, और उसके बाद सोएं। आप ठीक से सोएंगे, पॉजिटिव सोएंगे, तो आपके लिए आपकी एनर्जीज और वाइब्रेशन और स्ट्रॉन्गर होंगी और आपका काम बनता नजर आएगा। ठीक है, वहीं अब आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो आपके पार्टनर अब आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत सी चीजें हैं आप दोनों के बीच में बहुत जल्दबाजी में बिगड़ गई, बहुत जल्दबाजी में चीजें खराब हुई। उन्हें लगता है कि अब ये सही समय है जब उन्हें जो है आपके लिए प्रयास करने की जरूरत है, आपके लिए कोई एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ इनसिक्योरिटी रिप्रेजेंट हो रही है। इनसिक्योरिटी क्यों, यानी कि इन्हें लग रहा है कि शायद आप उनके हाथ से निकल जाएंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर जलस बहुत ज्यादा होते नजर आ रहे हैं। उन्हें अंदर पॉजिटिवनेस फील हो रही है कि शायद आपकी जिंदगी में कोई और व्यक्ति आ गया है। शक होता हुआ, आपको लेकर शक होता हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़े वाली एनर्जी। रिबर्थ की एनर्जी और डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्हें लग रहा था ये रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया है, या आप इसे पूरी तरह खत्म कर रहे हैं, जो कि ये होने नहीं देंगे। इन्हें लगता है कि ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इस रिश्ते में कोई गुंजाइश बाकी है। तो लवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति अपनी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत वैल्यू करते हैं या कर रहे हैं। इस वक्त इनके लिए इनका परिवार, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ आप भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप भी उन्हें अपनी जिंदगी में चाहिए, क्योंकि आप ही से उनकी जिंदगी में खुशियां हैं, पैशन है, हैप्पीनेस है। वो अपनी जिंदगी में खुद को जिंदा महसूस कर पाते हैं आपकी वजह से। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। जहां पर एनर्जी की बात की जाए, राशियां मैं बता देती हूँ जो मुझे स्ट्रांगली मिली है। एक तो मुझे ना कुछ चाय के कप जैसा दिख रहा है, पर उसमें मुझे चाय नहीं दिख रही है, मुझे कुछ कप सा दिख रहा है। एक व्हाइट कलर का प्यारा सा कप है जो मेरे सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम सॉरी, बस ये लास्ट सिटी है, ये जल्दी अगर आवाज आ रही है आपको तो परेशान मत होइए, बस ये लास्ट सिटी है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की जो राशियां हैं, जो राशि आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट हुई है स्ट्रांगली, वो कैप्रिकॉर्न की है, लियो है, लिब्रा है, एक्यूरस है, टॉरस राशि है, एरीज राशि है, यहाँ पर धनु राशि भी है। ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है। एयर साइन लिब्रा, एक्यूरस, जेमिनी ज्यादा है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस कर रहे हैं, बट साथ ही साथ इन्हें आप भी चाहिए, क्योंकि आपसे इनकी जिंदगी बसती है। ये अपनी जिंदगी में सब कुछ हैप्पी फील कर पाते हैं, तो आपसे इनकी जिंदगी का पैशन, इनकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, जिसके वजह से ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बाकी मैंने आपको कहा था कि मुझे कप दिख रहा है, मैं नहीं कह रही उसमें चाय है, लेकिन उसमें कोई कप है जो अगर आपके अगल बगल में है तो ये रीडिंग आपकी डेफिनेटली हो सकती है। यहाँ पर इस जर्नी में जो मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में, रिसेंट में कब आने वाला है, लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं, ये यूनियन के कार्ड को क्लारिफाई करें, ये कितने टाइम में होने वाला है। क्योंकि आप अपने कंक्लूजन के, आउटकम के काफी नजदीक आ चुके हैं, ये बहुत जल्द होने वाला है। थ्री ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, आने वाले करीबन मुझे एक हफ्ते के अंदर ही, कुछ लोगों के लिए एक हफ्ते, कुछ लोगों के लिए तीन हफ्ते होगा। एक हफ्ते ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, बट कुछ लोगों के लिए तीन हफ्ते भी होगा। ये आने वाले एक हफ्ते और आप लोगों के लिए तीन हफ्तों के अंदर स्पेशली मुझे ये अक्टूबर का एंड और नवंबर का स्टार्ट पीरियड दिख रहा है।
आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि सडनली आपके पार्टनर आपको चेस करेंगे, अचानक से आपका यूनियन होगा और ये बहुत ही ऑल ऑफ सडन होने वाला है। इसका ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके माइंड में दूर दूर तक आपको लग रहा है कि अरे आने वाले, नहीं, आपके साथ अचानक से ये होने वाला है। तो यूनियन इज एक्सपेक्टेड वेरी सून। आप खुद कार्ड देख सकते हो, बोलने के लिए बोला नहीं जा रहा है, देखने के लिए भी आप देख सकते हो कार्ड। बड़े इजी, बड़े सरल कार्ड्स हैं, आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली इसमें। यूनियन खुद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये आपकी करंट जर्नी में यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जब भी ये कार्ड यहाँ पर चेक करते हैं तो हम उसे नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी पकड़ कर चलते हैं, बट यहाँ एनर्जी जो आई है वो 1 हफ्ते और 3 हफ्ते तक की आई है मैक्स, ठीक है। यहाँ पर लव बिलीव जो है आपके लिए आउटकम में, मतलब बॉटम ऑफ द डेक में आया था, तो लेट्स सी ये लव बिलीव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, ओके। आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी यहाँ पर, लेकिन अपनी प्यार के जो दिमाग में प्रेजेंटेशन है उसको पहले ही समझ ले। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति आ रहे हैं कनेक्शन में आपके साथ जुड़ रहे हैं और आप मैं इमोशनली रेडी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपकी तरफ से इमोशनली अवेलेबल ना होने की दिक्कत दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो व्यक्ति प्रयास भी कर रहे हैं तो आप ज्यादा उस व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं इमोशनली। आपको लग रहा है कि नहीं मैं ट्रस्ट करूं, मैं नहीं करूं, मैं इसको झुकाऊं, मैं इसको थोड़ा सा बैक करवाऊं, इसको थोड़ा सा मेरे पीछे भागना होगा। तो इस स्टेट ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा आपको। आप अगर प्यार में ये सोचेंगे कि सामने वाला व्यक्ति झुके, मेरी मुट्ठी में आए, मुझे मनाए, पटाए, रिझाए, तो फिर आप इस रिश्ते को स्पिरिचुअल जर्नी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जर्नी स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं है। इस जर्नी में आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं समझे, क्योंकि एक बात आप सोचें, कभी माँ शक्ति या माँ पार्वती शिव जी को मुट्ठी में नहीं डालना चाहेंगी, वो नहीं करेंगे कि चलो इससे मैं बैग करवाऊंगी, नहीं, वो शिव को भगवान की जगह रखेंगे और रखेंगे कि नहीं, वो जैसा दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो मेरे लिए रिस्पेक्ट है, मेरे लिए सम्मान है, मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ या करता हूँ, मुझे प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, वो मेरे लिए इतना काफी है। तो शिव और शक्ति के हिसाब से चलो अब एक राधा कृष्ण का भी एग्जाम्पल ले लो। अगर राधा की लाइफ में कृष्ण आ जाते हैं तो क्या वो कृष्णा को बोलेंगे कि चलो मेरे पीछे पीछे भागो, मेरे नाज नखरे उठाओ, घुटनों पे आओ, भीख मांगो? नहीं ना, जोड़ी जब है प्यार में, कहीं ना कहीं वो रिश्ता प्यार से जाना जाता है ना, इसलिए प्यार इतना ज्यादा है उस कनेक्शन में, जिस कनेक्शन में इतना प्यार, इतना मोह है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में रिप्रेजेंट है, भाई ईश्वर ने उस रिश्ते को बनाया है, उस रिश्ते में ना ईगो का क्लैश बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए ईगो को पीछे छोड़कर अपने अंदर जो है एक क्लैरिटी रखें कि एक व्यक्ति बार बार आपके पास आ रहा है तो डेफिनेटली आपसे कुछ चूक हो रही है, कोई गलती हो रही है, इस साइकिल को ठीक करने का टाइम आ चुका है, अब आप उसे ठीक करें। वो कैसे करेंगे, देखो एक बात समझाती हूँ। यहाँ पर जो आप लोगों के लिए मेरे पास कार्ड आया है वो चीजों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्रेस और नाइन ऑफ कप्स, ये कह रहा है तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी, तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रहे अपने आप पर विश्वास रखना है, खुद को प्यार करना है। एम्प्रेस की एनर्जी अभी रिप्रेजेंट कर रहा है काइंड ऑफ मदर टेरेसा एनर्जी को, ये कह रहा है कि लोगों में प्यार भी बांटना है, सबसे प्रेम से पेश आना है, सबको सम्मान देना है, तभी आपको रिटर्न में सम्मान मिलेगा। अब ये आपके पार्टनर के लिए भी एप्लीकेबल है, भाई उन्हें प्यार दे, उन्हें इज्जत दे, वो आपको रिटर्न में देंगे। लेकिन आप बोलेंगे नहीं यही करे, सब कुछ इसी को करना है, मैं तो भाई घमंड में या मैं ईगो में रहूंगी कि नहीं इसको अपनी गलती का एहसास हो, ये मुझे सॉरी बोले, पुरानी बात को क्लियर करे, तो फिर भाई आप रिश्ता खराब करने वाले हैं, फिर आपका यूनियन होकर भी कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। यूनियन को रिकंसलेशन में पलटना है तो आपको प्रेम से पेश आना पड़ेगा, प्यार से चीजें मेंटली आपको इमोशनली बैलेंस करके संभालनी पड़ेंगी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आपको अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।